वेल गाइस, बहुत सारे सवाल आ रहे थे उस वीडियो पर जिसके व्यूअर आज 11,000 के पार जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से। तो ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। तो आप समझ लेते हैं कि सवाल क्या रहे हैं। इससे पहले हम समझेंगे कि वो इस वीडियो का टॉपिक क्या था। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे आप अपने गर्लफ्रेंड को, अपने दोस्त को रात के 12 बजे किसी भी टाइम कोई मैसेज को शेड्यूल करके भेज सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप सोते रहिए, ऑटोमेटिकली फिक्स टाइम पर उसके पास मैसेज चला जाएगा। तो वहां पर मेरे पास सवाल ये आया कि भाई मैसेज तो चला जाएगा, ये आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज को। अब आप हमें ये बताइए कि कैसे हम जो वीडियो या फोटोज को जो है शेड्यूल करके भेज सकते हैं रात को 12 बजे और एक अच्छे खासे वीडियो प्रोजेक्ट के जरिए उन्हें विश किया जा सकता है। तो वेल गाइस, बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो के अंदर और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। चलिए बात करते हैं आगे। वेल गाइस, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस फोटोज और वीडियो को भेजने के लिए हम किसी अदर एप्लीकेशन का यूज नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर वही एप्लीकेशन हमारे काम आएगा, एसके एडिट, और ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। और इसी के जरिए हम मैं बताने वाला हूँ, आपने कुछ चीजें वहां पर ढंग से सीखी नहीं है, तो इस वीडियो में मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आ चुके हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर सिंपली मैं एसके एडिट एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। तो एसके एडिट एप्लीकेशन आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे प्ले स्टोर पर सिंपली एसके एडिट लिखकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में देखिए इस तरह से ओपन होगा। देखिए कितना प्यारा इसका लोगो आ रहा है। यहाँ पर 5 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये इजी स्टेप्स है। देखिए जिस भी एप्लीकेशन से आप इस वीडियो को भेजना चाहते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। एसएमएस से ट्राई मत कीजिएगा, आपके पैसे कट जाएंगे क्योंकि एसएमएस फिर वो एमएमएस बन जाता है। चलिए व्हाट्सएप यहाँ पर, या व्हाट्सएप बिजनेस भी मैं चलाता हूँ। चलिए मैं व्हाट्सएप ट्राई करता हूँ। तो व्हाट्सएप पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है आपके सामने, जैसे कि पहले भी आप देख चुके हैं। और यहाँ पर सिंपली यहाँ पर मैं मैसेज की जगह आप हेलो लिख दीजिए। मैं भी यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ और प्लस के आइकन पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। प्लस पर यहाँ पर वो कॉन्टैक्ट आपको सिलेक्ट करना है जिसको मैसेज भेजना है। चलिए यहाँ पर मैं कोई दूसरा कॉन्टैक्ट जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है नंबर है, ये वाला नंबर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जीतू नाम से जो सेव है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। हेलो भेज दिया है मैंने और यहाँ पर सारा काम अब हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए सिंपली जो ग्राफिक चिन्ह आपको नीचे दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखोगे ऐसा ही चिन्ह व्हाट्सएप पर आता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, ऑडियो भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, कैमरे को भेज सकते हैं। यदि आपने यहाँ पर ढंग से देखा होता तो आपको पता होता कि फोटो को शेड्यूल करके कैसे भेजा सकता है। लेकिन फिर भी आपके पास एक और कंफ्यूजन है कि वीडियो कैसे भेजे, यहाँ पर वीडियो का तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सिंपली आप फाइल पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर एरर आएगा, आपका वीडियो नहीं सिलेक्ट होगा। तो सिलेक्ट करने के लिए आपको इमेज वाले पर ही क्लिक करना है ताकि आपका लेकर के मैं 511 KB का एक वीडियो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, .mp4 फाइल है ये, आप देख सकते हो। और यहां पर हेलो वेलो सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है, लगभग सारा काम हो चुका है हमारा। अब यहां पर सिंपली टाइम और डेट सिलेक्ट करेंगे। डेट में 30 सितंबर ही रहने देने वाला हूँ। टाइम सिलेक्ट करते हैं ताकि आपको करके भी दिखा सकूँ ना साथ साथ में। तो यहाँ पर देखिए सिंपली 1:30 हो रहे हैं, तो यहाँ पर 1:11 कर सकता हूँ। देखिए 1-2 मिनट शायद कभी कभार हो जाता है इसके अंदर ऊपर नीचे। यहाँ पर सिंपली मैं 1 पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो है 11 का टाइम मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 9, 10 ये लो भैया मैंने कर दिया 11 तो पहले हो चुके हैं, तो हम कर देते हैं 12। ओके काम ओके पर सिंपली क्लिक कर देते हैं। 12 नहीं भैया 13 करते हैं क्योंकि टाइम पता नहीं अभी आपको समझाते समझाते कब बीत जाए। तो मैं यहाँ पर जो है 13 कर देता हूँ। 13 पर क्लिक किया, पीएम मैंने सिलेक्ट कर दिया। ओके हो गया काम। अब यहाँ पर सिंपली जो है नो रिपीट ही आपको रहने देना है क्योंकि विश हम एक ही दिन करते हैं भैया, एक ही दिन करते हैं। राइट पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है पहला ऑप्शन बोल रहा है कि भैया कोई भी स्क्रीन लॉक सेट मत कीजिएगा, अपने स्क्रीन शॉट को जो है स्वाइप या नन रहने दीजिएगा ताकि हम जो है अपने आप और आपको मैसेज भेज सके। यदि आप लॉक रखोगे नहीं भेज पाएंगे। तो सिंपली आपको इग्नोर पर क्लिक कर देना है और दूसरा भी इग्नोर पर क्लिक कर देना है। स्क्रीन लॉक हटा दीजिएगा इस एप्लीकेशन का यूज करते समय। और यहां पर देखिए इग्नोर पर क्लिक कर देना है। इग्नोर पर क्लिक करते के बाद में देखिए इस तरह से लोडिंग होगा, आपका मैसेज कुछ ही पल में शेड्यूल हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि भैया ये लो आपका मैसेज जो है थोड़ा सा टाइम लेकर शेड्यूल हो जाएगा। तो भैया ये मैसेज शेड्यूल हो चुका है। शेड्यूल होने के बाद में हम होम स्क्रीन पर चले जाते हैं और वेट करते हैं 13 होने का कि मैसेज खुद जाता है कि नहीं जाता है। चलिए वेट करते हैं आप और हम दोनों मिलकर के। देखिए मैं यहाँ पर स्किप नहीं करूँगा वीडियो को ताकि आपको प्रूफ अच्छे से मिल जाए कि किस तरह से वर्क करता है। देखिए मैंने बिल्कुल फ़ोन को अब नहीं चलाऊँगा। यहाँ पर मेरी स्वीपिंग जो है अंगुलिया के निशान नहीं देखने को मिलेंगे। देखिए ऑटोमेटिक टाइम होते ही देखिए ऑटोमेटिक मैसेज भेज रहा है, मैं इतनी फास्ट तो नहीं भेज पाऊंगा। ये देखिए खुद ही मैसेज भेज रहा है, ये लो भैया ये लो देखो क्या तो स्टाइलिंग से भेज रहा है। ये देखो
ये देखो भैया वीडियो चला गया, जैसे ही मैसेज भेजा इसने बंद कर दिया और ऊपर लिखा हो गया एस के एडिट योर मैसेज इज सक्सेसफुली सेंड। देखिए यहाँ पर आप नोटिफिकेशन बार में देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिल रहा है एस के एडिट योर मैसेज हैज सक्सेसफुली सेंड सक्सेसफुली। तो वहाँ पर जाकर देख लेते हैं व्हाट्सएप में, यहाँ पर फेक तो नहीं बता रहा है, व्हाट्सएप में चलते हैं तो आप देखोगे ये रहा वो कॉन्टैक्ट और ये रहा वो वीडियो, आपको ग्रीन ग्रीन वीडियो वहाँ पर दिखा था और ये रहा वो हेलो मैसेज, तो उसके साथ इसने वीडियो को मैसेज को भेज दिया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो यार नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैंने प्रूफ भी दिया है इस वीडियो में आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।